दोस्तों, आज हम लोग कुछ इस टाइप का रील को एडिटिंग करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पे अभी के टाइम पे ट्रेंड कर रहा है। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं टेलीग्राम। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लेना। आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सारा सैंपल वगैरह दे दिया हूँ एंड सारा मटेरियल्स वगैरह आप लोग को मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना आप लोग। जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो, आप लोग को पिक्सेल ऐप को ओपन करना है। पिक्सेल ऐप ओपन आप लोग कर लेते हो तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग को डिलीट कर देना है। प्लस का आइकन में क्लिक करके आप लोग को टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का शायरी आप लोग को गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। आप लोग जैसे ही पेस्ट कर देते हो, आप लोग को सारे जो भी शायरी का लाइन है इसको आप लोग को सिलेक्ट करके कट कर लेना है। अब आप लोग को एक ऐप का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर होने वाला है। तो ये ऐप आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाता है, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग ओपन कर लेते हो, यहाँ पे श्रीदेव यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो, फर्स्ट बॉक्स में आप लोग को शायरी वगैरह जो भी आप लोग को पेस्ट कर देना है। आप लोग जैसे ही पेस्ट कर देते हो, आप लोग को यूनिक कोड यहाँ पे श्रीदेव में आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग को यूनिक कोड बन जाता है, यहाँ से कॉपी कर लेना है आप लोग को जो भी यूनिक कोड है। वापस से आप लोग को पिक्सेल ऐप पे आ जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो भी आप लोग का यूनिक कोड है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग फॉन्ट को अप्लाई करने वाले हैं, तो फॉन्ट वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करना है। ऐसे ही फॉन्ट वाले ऑप्शन में आप लोग क्लिक कर लेते हो, माई फॉन्ट्स में आ जाना है एंड ये वाला फॉन्ट आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड बहुत सारे भाई लोग डीएम भी करते हैं कि ये वाला फॉन्ट नहीं मिलता है, तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना पिक्सेल ऐप में एंड अप्लाई कर लेना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग को बोल्ड को यहाँ पे फॉन्ट को बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे स्टाइल वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, तो स्टाइल वाले ऑप्शन में आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग इजीली बी वाले ऑप्शन में क्लिक करके बोल्ड कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो आप लोग का टेक्स्ट बोल्ड हो जाने के बाद अब आप लोग को एलिगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एलिगिन वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक कर दो, यहाँ पे देख सकते हो सेंटर वाला बटन है, आप लोगों को यहाँ पे इस पर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है इसको आप लोग को यहाँ पे कट कर लेना है। आप लोग जैसे ही कट कर लेते हो, यहाँ पे लास्ट वाला आप लोग का लाइन यहाँ पे बचता है। अब आप लोग को इस वाले टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाना है, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन है आप लोग को दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई देगा, तो इसका एक कॉपी लेयर बना लेना है आप लोग को। एंड यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट लेयर बन चुका है। अब आप लोग को डबल टैप करके इसको डिलीट कर देना है जो भी टेक्स्ट वगैरह है एंड जो भी फर्स्ट का टेक्स्ट है इसको आप लोग को पेस्ट कर देना है एंड इसका साइज़ को आप लोग को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे साइज़ का बात करें तो यहाँ पे 99 के अप्रॉक्स आप लोग को रखना है एंड राइट क्लिक करना है आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हो अब आप लोग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो लाइन है इसको आप लोग को सेकंड यहाँ पे नीचे के साइड में रखना है। अब दोस्तों, इस पर कलर आप लोग को ऐड करना है, तो कलर वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। इसका कलर आप लोग को ब्लैक रखना है, फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट है इसका कलर आप लोग को ब्लू रखना है। यहाँ पे देख सकते हो कलर ऐड हो जाने के बाद आप लोग को वापस से प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड टेक्स्ट को यहाँ पे ले लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को लाइन आप लोग चाहो तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका कलर को आप लोग को ब्लैक रख कर लेना है एंड ब्लैक रखने के बाद अच्छे से आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे देख सकते हो एडजस्ट हो जाने के बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड तीन लेयर आप लोग को दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग को तीनों लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ओके कर देना है आप लोग को एंड वापस से इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर ले तो अब आप लोग को यहाँ पे नीचे में ये वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड रिलेटिव पोजिशन में आप लोग को क्लिक करने के बाद इस दोनों बटन में क्लिक करना है एंड बिल्कुल टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। एंड बैकग्राउंड को आप लोग को ट्रांसपेरेंट रखना है एंड ये PNG को आप लोग को सेव कर लेना है। आप लोग जैसे ही सेव कर लेते हो, हमारा PNG का काम टेक्स्ट वगैरह का काम हो चुका है। अब आप लोग को वीडियो बनाने के लिए एलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को प्रोजेक्ट्स में आ जाना है एंड आप लोग जैसे ही प्रोजेक्ट्स में आ जाते हो तो आप लोग को XML यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ही स्टेप्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है एंड ये XML भी आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग को XML को ओपन करना है एंड इस इफेक्ट को आप लोग को ये जो आप लोग को सेव आप लोग को अनहाइड कर देना है। एंड अब यहाँ पे आप लोग को कुछ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड फोटोज़ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, इसको आप लोग को डाउनलोड करके ऐड कर लेना है एंड इसका लेंथ को इंक्रीज़ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो इसका लेंथ इंक्रीज़ हो जाने के बाद अब आप लोग को जो भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे पिक्सेल ऐप से आप लोग बनाए हैं उसको आप लोग को ऐड करके यहाँ पे कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। इसका साइज़ को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट का काम अच्छे से हो चुका है। अब आप लोग को यहाँ पे विनिगेट आप लोग को मिलेगा, तो विनिगेट को आप लोग को ऐड करना है एंड विनिगेट का आप लोग का साइज़ को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमारा साइज़ यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बड़ा हो चुका है। अब आप लोग को साइज़ बड़ा करने के बाद आप लोग को बैक आ जाना है एंड इसका भी लेंथ को विनिगेट का भी लेंथ को आप लोग को
इंक्रीज कर लेना है वीडियो का एंड तक। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रेक्टेंगल वन आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये जो शेप है इसको आप लोग को होल्ड करके ऊपर के साइड में लेके आ जाना है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप लोग वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हो, आप लोग का इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी है। यहाँ पे देख सकते हो मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। आप लोग चाहो तो फॉन्ट को कोई भी फॉन्ट आप लोग ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो फाइनली बन जाने के बाद कुछ स्टेप से दिखाई देता है। उसके बाद आप लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो वीडियो एक्सपोर्ट देख सकते हो हमारा हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे देखते हो हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं कुछ इस टाइप के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।